मैम हम लोग किसान के बच्चे हैं, इन लोगों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हम लोग आर्मी एयरफोर्स के लिए मरते हैं। शहर में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, लेकिन हम गांव के युवा बोलते हैं ए फॉर आर्मी और ए फॉर एयरफोर्स। हमारे अंदर भी आज भी वही जोश जुनून है जो 3 साल पहले था, भर्ती क्लियर किया था उस समय। सनातन धर्म में लिखा हुआ है कर्म का फल मिलता है, तो हमारा कर्म का फल कहाँ गया? मोदी जी आपसे पूछते हैं कहाँ गया हमारा कर्म का फल, कहाँ गया? सब खा गए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूँ आपके साथ नफीसा। बात जब हक की हो तो बगावत जरूरी है, ऐसा मैं नहीं कह रही, मेरे ठीक पीछे युवा कह रहे हैं, और ये युवा वो हैं जो फोर्ज की भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज इनका दूसरा दिन है, लगातार प्रदर्शन जारी है और भर्ती के सवाल पर ये डटे हुए हैं। लेकिन भर्ती कब होगी? क्या भर्ती 2024 के चुनावों से पहले होगी? क्या इनका हौसला 2024 के चुनावों से पहले टूट जाएगा? तमाम सवाल और उन सवालों को लेकर एक बार फिर से युवा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि आपने कई तस्वीरें इनकी देखी, हमने कई एंगल से दिखाने की कोशिश की कि आखिर इनका दर्द और इनका संघर्ष कितना लंबा जो अभी तक चल रहा है। भर्ती का सवाल है तो सर, जवान सरहद पर भी रहते हैं और फिर सड़कों पर भी देखने को मिल रहे हैं। चर्चा कर लेते हैं मेरे साथ तमाम लोग। आपको पहले दिखा देती हूँ कि बड़ी संख्या में, हालांकि यहाँ से ही प्रोटेस्ट पुलिस द्वारा अभी फिलहाल के लिए खत्म करा दिया गया है, लेकिन कल भी इसी तरीके से छात्र यहाँ पर बैठेंगे, 4 तारीख तक यहाँ बैठे जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि 4 दिन का अल्टीमेटम इन युवाओं द्वारा दिया गया है सरकार को। क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ, मैं चंपारण का रहने वाला हूँ। मैम मैं लगभग 3 साल से परेशान हुई सरकार से। आर्मी की सारी भर्ती प्रक्रिया मैंने पूरी कर लिया, मेरा ज्वाइनिंग बचा हुआ, मेरा NCCC क्लियर है, और मैम सबसे बड़ी बात है ये सरकार हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। हम लोग इनसे कुर्सी नहीं मांग रहे, ना इनसे भीख मांग रहे, हम बस अपना अधिकार मांग रहे हैं, जिस अधिकार का हम हकदार हैं। मैम इसके लिए लगभग 4 से 5 साल हमने मेहनत किया था, ये लोग पानी से नहाते हैं, लेकिन हम लोग खून पसीने से नहाकर इस भर्ती को क्लियर किया था। और सबसे बड़ी बात है मैम, हम लोग किसान के बच्चे हैं, इन लोगों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हम लोग आर्मी एयरफोर्स के लिए मरते हैं। शहर में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, लेकिन हम गांव के युवा बोलते हैं ए फॉर आर्मी और ए फॉर एयरफोर्स। हमारे अंदर भी आज भी वही जोश जुनून है जो 3 साल पहले था, भर्ती क्लियर किया था उस समय। हमारी भर्ती को ये लोग जानबूझकर दबाया है और जानबूझकर रद्द किया है, ताकि युवा बेरोजगार रहे और सड़कों पे घूमे और नशा का लत लगे और 10,000-15,000 का जॉब करे या जाकर कहीं बड़ा बड़ा कंपनी फैक्ट्री में। और सबसे बड़ी बात है मैम, अगर हम लोग बेरोजगार रहेंगे तो इनको वोट के समय हम लोगों से फायदा होगा, इन नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को। बड़ी बातें कह रहे हैं, एक तो देखिए जवान है तो भाई जज्बा भी होगा देश पे मरने मिटने वाला, और ये तमाम जज्बे इन युवाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन आपने कहा कि जानबूझकर भर्तियों को पेंडिंग रखा जा रहा है, आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा आपको बता देता हूँ, जैसे कि 84,000 एयरफोर्स का वैकेंसी आने वाला था, एयरफोर्स कह रहे हैं SSC GD का, आप किसी भी युवा से पूछ सकते हैं, 84,000 का नोटिफिकेशन था, लेकिन इलेक्शन का समय है फिर भी दिया 26,000। रेलवे का वैकेंसी आने वाला था लगभग 1.5 लाख, लेकिन अभी वैकेंसी है 5,900। आप देख सकते हैं जब इलेक्शन के समय ये बुरा हाल है तो इलेक्शन जीतने के बाद में क्या हाल होगा। आज लगभग दूसरा दिन प्रोटेस्ट का हुआ, इससे पहले भी हम सभी युवा प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया है, और हमारी मतलब जो भर्ती है इसके लेकर कोई भी सफल उधर से कुछ नहीं हमें मिल पाया है। मैम मैं आपके पास और लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। देखिए भर्ती क्या गारंटी दी गई थी, आश्वासन दिया गया था कि भर्ती हो जाएगी, लेकिन सर 22-21 से अब 24 लग चुका है, क्या लगता है 24 में तो भर्ती मिल जाएगी? उम्मीदें हैं इसलिए हम यहाँ आए हैं। अगर हमने 2014 में समर्थन दिया था, 19 में दिया था, अगर ये हमारा भर्ती करवाते हैं तो आगे भी समर्थन रहेगा। जो युवा इस सरकार को बना सकते हैं वो मिटा भी सकते हैं। अगर हमारी भर्ती क्लियर नहीं की जाती है तो उसके बाद में मैं खुद कसम खाता हूँ, पूरे देश में घूमूंगा और BJP के विरोध में घूमूंगा। अगर यही सरकार हमारी भर्ती करवाती है तो अपने माता पिता और साक्षी मान के कसम खाता हूँ, आज मैं पूरे देश में BJP का प्रचार प्रसार करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? रमन नाम है। राजनाथ सिंह खुद क्षत्रिय हैं, उन्होंने अपना खुद स्टेटमेंट दिया था कि भर्ती आपकी होगी, भर्ती होगी, वो 15 दिन का नाम लिया था, अब 15 दिन से 3 साल होने को जा रहे हैं, अब तक वो भर्ती नहीं हुई है।
आप यहाँ देखिए कसम तो खा रहे हैं कि आप वोट नहीं देंगे बीजेपी को, लेकिन एक वक्त वो भी था जब माँ बाप के सपनों को या उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपने आर्मी की दुनिया में कदम रखा होगा। कैसा लगता है, माँ बाप क्या कहते हैं आपके? मैं माँ बाप क्या कह सकते हैं, अब हमने हमारी तरफ से अगर कोई कमी छोड़ दी हो तो माँ बाप हमें ताना देते हैं। मैंने खुद 2 भर्ती क्लियर कर रखी है आर्मी की और 1 भर्ती क्लियर कर रखी है एयरफोर्स की, जिसमें ज्वाइनिंग जाना था और आर्मी में एग्जाम होना था, वो एग्जाम भी नहीं लिया गया और आश्वासन देते गए। एयरफोर्स की तरफ से भी नोटिफिकेशन आता था अगले महीने होगी, वो आश्वासन देते देते आज 3रा साल आने को है, अब तक वो भर्ती क्लियर नहीं हुई। आश्वासन जो दिया गया वो पूरा क्यों नहीं किया जा रहा, क्या बड़ी वजह? वो मैम इस चीज़ का तो हमें भी नहीं पता क्यों पूरा नहीं किया गया, या तो फिर उनको डिफेंस मिनिस्टर को कुर्सी ऊपर कठपुतली की तरह रखा गया एक नाम मात्र का। अगर उनकी चलती सरकार के अंदर तो आश्वासन दिया है, ऐसे तो नहीं देता कोई भी इंसान, मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता। उन्होंने अगर आश्वासन दिया है तो उनको भरोसा था कि मैं इनकी भर्ती क्लियर करवा सकता हूँ, या तो अब वो कठपुतली की तरह बैठे हैं या फिर किसी और के इशारे पर नाच रहे हैं। अच्छा, आप विकास वाली सरकार को वोट नहीं देंगे, आप यहाँ से कसम खा रहे हैं? मैम विकास कहाँ है, विनाश वाली सरकार है और ये राज आप एक साथ बोलने लग गए कि विनाश वाली सरकार है, ऐसा विकास विकास आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? विकास रहता तो रोड पे बैठते मैम, यहाँ पे हम लोग जो धरना पे बैठे हैं, हम सरकार को यहाँ पे बैठाए हुए थे, हमको रोड पे बैठा के रख दिया, 90 दिन होने वाला, 90 दिन से ऊपर होने वाला, यहाँ पे बैठे हैं। कि सरकार को आपने सर माथे बैठाया लेकिन आप सड़कों पर आ गए, जो दावे दिए जा रहे हैं बड़े बड़े कि हम बीजेपी सरकार ने ये काम कर दिया, 10 साल की उपलब्धियां जो गिनवाई जा रही हैं। यदि काम बीजेपी सरकार यदि करवाते तब हम यहाँ पे क्यों आते, घर में सोए रहते, रोटी तोड़ते, अच्छे से पलंग पे बैठते, यहाँ पे किस लिए आते? इतना ठंडे में 3-4 दिन से सफर करके आए यहाँ पे, कल तो बारिश भी हो रही थी बावजूद इसके आप लोग डटे यहीं पे, कल भी थे, लेकिन सरकार क्या यहाँ पे पूछने के लिए ना आया, ना कुछ खोजने के लिए आया, तो हम क्या कर सकते हैं? जो ये बीच का संघर्ष है सर, आपको पहले भी आप आए थे, एक बार फिर से आप यहाँ पे सड़कों पर धरना दे रहे हैं लिटरली, बीच का सफर कहाँ सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या संघर्ष है आप? मैम हम लोग कहाँ खा रहे हैं, कहाँ को सरकार से कोई मतलब, हम लोग ठंडी में बाहर रोड पे सोते हैं, हम लोग का अगर आज कोई छत या कहीं व्यवस्था कोई किया है तो अगर जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं बस वही, हम लोग इससे पहले हम लोग छोटू राम जो हरियाणा में है वहाँ रहते थे, फिर वहाँ से फिर यहाँ आए, ना कोई खाने का पता है ना पीने का पता है, हमको ये पता तक नहीं कि हमको सुबह खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शाम तक खाएंगे कि नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे क्या। लेकिन मैंने नेता तो बहुत देखा है लेकिन रक्षा मंत्री पहली बार झूठा देखा है, क्योंकि रक्षा मंत्री कभी सब नेता झूठ बोलते देखा है लेकिन रक्षा मंत्री को झूठ बोलते नहीं देखा है। ये रक्षा मंत्री जो है वो झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर आपकी भर्ती क्लियर कर दी जाएगी, लिखित में दिया है, उन्होंने लिखित प्रमाण है उनका, ये कि नहीं, ये भी नहीं कि जवान से बोल दिए हैं, उन्होंने लिखित प्रमाण दिया है कि 15 दिन में आपकी भर्ती क्लियर हो जाए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास इतनी पावर नहीं कि आप 1.5 लाख बच्चों को ज्वाइनिंग दे सकते हैं, तो आपको ऐसी गद्दी आपको छोड़ देना चाहिए। ये बात आप सभी कह रहे हैं कि अगर भर्ती नहीं होगी तो विरोध करेंगे बीजेपी? जी विरोध करेंगे, पूरे सभी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, पूरे भारत घूमेंगे सभी लोग, हम सभी लोग यहाँ से घर जाने वाले नहीं है, जब तक इलेक्शन की टाइम है ना, 4 महीने टाइम है ना, 3 महीने, 3 महीना में पूरा भारत पैदल यात्रा मारेंगे, हर जगह यात्रा पर निकल जाएंगे, निकलेंगे हर घर में जाएंगे, हर घर में बोलेंगे, और जहाँ जहाँ पेंडिंग भर्ती वाले हैं ना वो सब लोग एकजुट होते चले जाएंगे, और हर आदमी जो है सो इससे सब सरकार पे दबाव बन पाएगा, क्यों नहीं बनेंगे, सरकार तो बना सकते हैं, सरकार को गिराने की क्षमता नहीं है, सरकार बनाने वाला भी तो हम ही लोग हैं ना, सरकार गिराने वाला भी हम ही लोग हैं, भर्ती नहीं तो सरकार गिरा देंगे पक्का गिराएंगे, मजबूत सरकार है अभी तो, जनादेश उसके साथ, जनता मजबूत है, वो कहाँ मजबूत है, जनादेश उसके साथ नहीं है लेकिन ये देश की मीडिया जरूर उसके साथ है, ये देश की मीडिया ही जो देश का चौथा स्तंभ है वही इस देश को ढाने का काम कर रही है, इस देश के युवाओं को बर्बाद करने का काम कर रही है मीडिया, इस देश के किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है देश की मीडिया, इसकी देश की मीडिया ने ही इस देश का पतन का आधार बनी है, ये मीडिया जो मीडिया चौथा स्तंभ कही जाती थी वो इतनी जर्जर हो चुकी है कि उससे खुद नहीं संभाला जा रहा है, वो दूसरे के सहारों पर नाच रही है, वो सरकार के सहारों पर नाच रही है, ये है इस देश की मीडिया का हालत, और इसी देश की मीडिया ने इस देश में ये माहौल पैदा कर दिया है, मोदी में माहौल हो गया है वो, लेकिन सच में ये माहौल नहीं है, ये सिर्फ इसकी जिम्मेदार है तो इस देश की मीडिया ही है,
राम मंदिर को लेकर एक डेढ़ महीने से जो टीवी पर दिखा रही है राम मंदिर का मुद्दा लेकर रख गई, लेकिन राम के आदर्शों पर ये सरकार नहीं कभी चली। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम धमाई। परहित समान कोई धर्म नहीं होता और पर पीड़ा समान कोई अधर्म नहीं होता। तो इस सरकार ने इन युवाओं को पीड़ा दी है, इस सरकार ने इस किसानों को पीड़ा दी है, तो इससे बड़ा कोई अधर्मी कोई विधर्मी तो हो ही नहीं सकता है। इस सरकार से अब भी हम कह रहे हैं कि इस सरकार हमारी बात मान ले, अपनी गलती को स्वीकार कर ले और हम लोगों को ज्वाइनिंग दे दे, हम अपना पीछे का सारा भुला देंगे और जो हमारे भाइयों के खिलाफ अवैध जो FIR हुई है उनको भी वापस ले, उनको भी वर्दी देने का काम करेगी सरकार। हम पीछे की बातें भुला देंगे, इस सरकार का समर्थन कर देंगे, लेकिन सरकार को भी इन युवाओं के बारे में सोचना होगा कि ये युवा इस देश का आधार है, इस देश का स्तंभ है। यदि युवा गिर गए, इस देश का युवा का जोश गिर गया तो ये देश गिर जाएगा, ये देश गुलाम फिर से हो जाएगा। देश में कभी भगत सिंह जन्म नहीं ले पाएगा, कभी चंद्रशेखर आजाद जन्म नहीं ले पाएगा, कभी अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल जैसे योद्धा पैदा नहीं हो पाएंगे इस देश में। बस मित्रा ही मीडिया को लेकर बाखूबी काम, लेकिन मैं समझना चाहूंगी आपसे, लगभग डेढ़ महीने तक राम मंदिर दिखाया गया, उपलब्धियां दिखाई जाती है पीएम मोदी के कार्यकाल की, और बताया जाता है कि विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन आप पिछले दो दिन से यहां बैठे हैं, क्या आपका मुद्दा जरूरी नहीं मीडिया? यही तो मैं कह रहा हूँ, मीडिया को ये हमारा मुद्दा नहीं दिख रहा। हमारा मुद्दा कोई आज नया मुद्दा नहीं है, जिस समय अग्निपथ आई थी उस समय भी हमारे युवाओं ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस मीडिया ने इस अग्निपथ और अग्निवीर की आड़ में हमारी भर्तियों को ऐसे दबा के रख दिया जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं हो। क्योंकि अग्निपथ तो अग्निवीर को इतना उजागर किया कि लोग अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लोग अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो अग्निपथ आने से दो साल पहले ही भर्तियां कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग बची थी, वो ज्वाइनिंग को सरकार ने नहीं दिया। इस बारे में कभी मीडिया ने सरकार से सवाल नहीं किया, कभी नेताओं से सवाल नहीं किया, कभी इस देश की जनता को बताने का काम नहीं किया। ये देश की मीडिया सबसे ज़्यादा देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, इस लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है। चले देखिए, युवाओं का देश है सरकार ये कहती है और आत्मनिर्भर भारत की बात भी करती है, लेकिन युवा सड़कों पर है और ये क्या लेकर आप आ गए सर? जिस दौरान हमारी भर्ती पोस्टपोन थी, जिस दौरान हमारी भर्ती उस समय इनकी रैली जारी थी, हमारी भर्ती पोस्टपोन कर दी गई और इनकी रैली जारी थी। देख सकते हैं आप सभी, ये भी क्षत्रिय और मैं भी क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय में कहा जाता है रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन जाई। मैंने जो वचन दिया था, मैंने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया, लेकिन ये इंसान संसद जैसे पवित्र स्थल से बोले कि वादा किए कि हम आपकी भर्ती पूरी करेंगे, लेकिन ये भर्ती पूरी नहीं किए। ये देख सकते हैं साक्ष्य आप सभी के पास है। ये बोल देते कि भर्ती पूरी होगी, ये बोल देते कि भर्ती पूरी होगी, लेकिन अब लिखित में भी दे देते हैं, लेकिन अपनी बात से मुकर जाते हैं कि अब नहीं होगी। हमारे रक्षा मंत्री जी अपनी बात लिखित में दे के भी और सब कुछ मतलब पूरा दे के अपनी बात से मुकर जाते हैं कि अब नहीं होगी। और मैम, धर्म की बात करते हैं, अगर धर्म का रक्षा किया है तो सबसे ज्यादा क्षत्रिय, और बलिदान भी दिया है तो क्षत्रिय। और मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी बात है, जो कहते हैं ना मतलब आज देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, तो सनातन धर्म में लिखा हुआ है कर्म का फल मिलता है, तो हमारा कर्म का फल कहाँ गया? मोदी जी आपसे पूछते हैं कहाँ गया हमारा कर्म का फल? कहाँ गया? सब खा गए आप, हमारा कर्म का फल आप खा गए। हमने मेहनत किया था, इसके लिए तपस्या किया था, तब जाकर हमारी भर्ती क्लियर हुई थी, फिर से पेंडिंग भर्तियों पर। लेकिन आप में से कई युवा होंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, आप इतनी नाराज? हमने तो नहीं दिया, दिया होगा बीजेपी को? मैंने दिया, मैं बोल रहा हूँ, हमने दिया था। जिस समय ये सरकार 2014 में आई थी उस समय बड़े हमारे सपने थे कि ये सरकार बड़े ही देश का भविष्य बनाने वाली है, लेकिन इस सरकार को हमें क्या पता था ये हमको ही डसने वाली है। ये सरकार जिस समय आई थी हमारे तो बड़ी उम्मीद अरमान थे, सारे अरमानों पर पानी फेर कर सरकार ने हमको ही ठोकरे मार के गिरा दिया। और अब क्या लगता है 24 में आनी चाहिए वापस? आनी चाहिए तो तब जब हम आने देंगे, हम उसके लिए हर प्रयास करेंगे, उसके लिए हर प्रयास करेंगे कि जो इस सरकार को गिराने के लिए जो भी काम होगा हम सब प्रयास करेंगे, इस सरकार को गिरा के ही दम लेंगे। जिस सरकार ने हमको ठोकरें मारी है, इस सरकार को हम ठोकर मार देंगे। चलिए, ये युवा है देश का, युवाओं से ही सरकार बनती है, तो युवा नाराज है तो फिर सरकार को मुंह के बल भी गिरना पड़ सकता है। बात भर्ती की है सर, बात कर रहे हो ना, 2014 में छोटा था, मैं घर घर घूम कर जाकर प्रचार करके आया था। आप प्रचार क्या करते थे बीजेपी के समर्थन में? लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि मैं वोट भी नहीं दूंगा? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आप सांप को पालोगे ना उसको दूध पिलाओगे, ठीक है, बाद में आपको ही डसेगा।
बीजेपी और मौका दे दीजिएगा 24 में जिता दीजिए। अब क्या रोड पर आ जाए, अब रोड पर आ जाए बताइए पहले। अब कम से कम घर है, अब इधर तो अब इतना तो दे दिया रोड पर, गटर पे भी सो रहे हैं, बाहर दुकानों के बाहर भी सो रहे हैं। अब क्या चाहते, देश से भी निकल जाए या बुलडोजर चला जाए, जेल में डाल दे हमें? विश्वास नहीं बचा आपको सरकार, इंतजार कीजिए, सपने पूरे हो जाएंगे, भर्तियां भी मिल जाएंगी। आप क्या बोल रहे, 5 साल में जब कुछ पूरा नहीं हुआ तो अब क्या होगा 2 दिन में? 10 साल भाई, 10 साल में, 10 साल में पूरा नहीं हुआ तो अब क्या होगा 2 दिन में? हो जाएगा, जुमलों से सब कुछ हो जाएगा, उनके जुमलों से होता है जो कुछ होता है। वो जुमले देना जानते हैं, वो जानते हैं सब जनता को बेवकूफ बनाना, क्योंकि मीडिया उनका जो है वो उस बात को इस प्रकार से रख देता है कि जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल परम सत्य बोल रहे हैं। ये सरकार सुन ले, हम जैसे युवाओं का जोश दवाए नहीं, ये जोश देश के लिए बहुत ही फायदेमंद भी सिद्ध होता है, और जब इसको दिशा गलत मिल जाती है तो बहुत ही नुकसानदायक भी सिद्ध हो जाता है। ये वो युवा है जिन्होंने कुछ साल पहले बीजेपी सरकार पर विश्वास किया, उम्मीदें रखी पीएम मोदी से, लेकिन जब निराशा हाथ लगी तो ये यहाँ से ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि 2024 तक अगर भर्ती नहीं मिलती तो फिर मुंह के बल खानी पड़ेगी बीजेपी सरकार को, यानी कि सत्ता से बेदखल कर देंगे ये लोग। फिलहाल के लिए दीजिए।